अरे उनके कहने के बाद कुछ है पूछने को मुझसे तो बताइए क्या सर, क्या बातचीत आखिर हुई है? सिद्धू साहब ने आपसे क्या कहा है? नहीं, कुछ तो कहा उन्होंने। उन्होंने कहा कि जो भी मेरे कंसर्न थे वो राहुल जी को बता दिए हैं। सर उस पे क्या कहेंगे? नहीं, उन्होंने बताए हैं अपने कंसर्न और हमने उनसे कहा है कि योर कंसर्न विल बी टेकन केयर ऑफ केयर एंड ही अश्योर्ड द राहुल गांधी जी दैट ही हैज विड्रॉन हिज रेजिग्नेशन, आई एम रिज्यूमिंग माई ड्यूटी एज ए पीसीसी प्रेसिडेंट। सर हिंदी में भी उन्होंने ये कहा राहुल जी के सामने, उन्होंने अपने कंसर्न बताए और कंसर्न बताने के बाद हमने उनसे कहा कि हम जो आप ने इशू उठाए हैं उन इशूज का समाधान निकाल लिया जाएगा, जल्दी निकाल लिया जाएगा। और उन्होंने आदरणीय राहुल जी से कहा कि मैं अपनी ड्यूटी एज पीसीसी चीफ जो है ज्वाइन कर रहे रिज्यूम कर रहे, उन्होंने कहा राहुल गांधी। सर बॉडी लैंग्वेज काफ़ी मतलब निराश लग रहे थे, थोड़े अपसेट लग रहे थे बॉडी लैंग्वेज से, अगर बात करें ना दोस्तों से। मैं बॉडी लैंग्वेज में नहीं जाता, मैं शब्दों में जाता हूँ क्योंकि ये कोई क्रिकेट की भाषा पॉलिटिक्स में लागू नहीं होती है, इसमें आदमी की बात मैटर करती है। और उन्होंने राहुल गांधी जी से कहा है कि मैं पीसीसी प्रेसिडेंट के रूप में अपनी ड्यूटी पहले से भी कर रहा हूँ और मैं फिर उसको मैं उस ड्यूटी को फुलफिल कर रहा हूँ। माना जाए कि इस्तीफा अब वापस हमारे लिए जो है हिज इस्तीफा मैटर इज ओवर, हमारे लिए इज ओवर बिकॉज ही हैज एश्योर दी यस, बल्कि एश्योर किया नहीं कह सकता, मैं ये कह सकता हूँ कि उन्होंने अपनी तरफ से इस बात को कहा है कि मेरे इस्तीफे का प्रकरण अब रिजॉल्व है, मैं अपनी ड्यूटी प्रेजिडेंट के तौर पर। मतलब क्या नवजोत सिंह सिद्धू प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बने रहेंगे और सब कुछ सुचारू रूप से चलेगा? ये उन्होंने उनका वो था कि उन्होंने इस्तीफा दिया, हमने क्योंकि उन्होंने इस्तीफे में कुछ कारण बताए थे इसलिए पार्टी को अपने प्रेजिडेंट से जानने का पूरा हक था कि तुमने जो कारण बताए हैं आओ बताओ, उस पर कल बात हुई और आज वो राहुल जी से मिले और उन्हीं की रिक्वेस्ट पर राहुल जी से मिले और राहुल जी के सामने उन्होंने कहा कि ये मेरे कंसर्न थे। हमने कहा था हमने इनको एश्योर किया है कि हम जल्दी उस उनको रिजॉल्व कर देंगे। आपने कहा और उन्होंने खुद अपनी तरफ से कहा कि मैं पहले भी प्रेसिडेंट के तौर पर काम कर रहा हूँ, इतना बड़ा मैंने धरना दिया, मार्च किया, भूख हड़ताल की, पार्टी के हर प्रोग्राम को मैं फॉलो कर रहा हूँ और मैं आगे भी पार्टी प्रेसिडेंट के तौर पर काम करता हूँ। आपने कहा कि गुड न्यूज मिलेगा, गुड न्यूज यही था कि वो पार्टी प्रेसिडेंट के तौर पर काम करेंगे। ये क्या साधारण खबर है? ये साधारण खबर है, इसी खबर को सुनने के लिए तो आप जो है इस समय तक यहाँ पर खड़े हैं घंटों से। वो उन्होंने पार्टी लीडरशिप को बताए हैं, पार्टी लीडरशिप मतलब श्री वेणुगोपाल जी हरीश रावत को बताए हैं, इट इज़ आवर ड्यूटी कि हम चीफ मिनिस्टर के साथ बैठ करके वो एकाद इशू जो रह गया है अनरिजॉल्व जो है उसको रिजॉल्व करें। सर आप बैठ जाइए अंदर से। ठीक है, हाँ ठीक है सर, ठीक है सर। अब आप हैप्पी हैं? हैप्पी। आपकी क्वेरीज खत्म? सर हम लोग नहीं, हम लोग आपके प्रश्न खत्म, आप तो नहीं है ना? नहीं सर। सर एक आप तो हर जगह मुझसे नहीं।